उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच बड़ा बवाल हुआ है। बवाल में जमकर पथराव हुआ, इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। यह हंगामा इतना बड़ा था कि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस की गाड़ी भी पलट दी। इस तरह नहीं करना चाहिए। फिलहाल हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी सिटी संजय कुमार का कहना है कि कुछ मुद्दों को लेकर और आवारा पशुओं को लेकर खेतीर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद इन्होंने अपने मुद्दे बदल दिए और पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और पुलिस की गाड़ी को अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सबको तितर बितर कर दिया। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। बाकी की वीडियो से उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। तिलहर में खेतिहर मजदूर राजनीतिक संगठन एक है जो इस जनपद का लोकल है, यही के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इन्होंने एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था कुछ अपने मुद्दों को लेकर, जैसे आवारा पशु वगैरह। बाद में इन्होंने पुलिस ने इनको बहुत आश्वासन दिया, फिर भी नहीं माने। काफी लंबे समय के बाद इन्होंने अपने मुद्दे बदल दिए और एक धार्मिक स्थल पर प्रस्थान करने लगे, जिससे कि सांप्रदायिकता बढ़ाई जा सके। पुलिस ने इनको समझाने का प्रयास किया और रोकने का प्रयास किया, तो इनमें से कुछ लोगों ने, महिलाएं और बच्चे भी इनके साथ थे, इन लोगों ने पुलिस से पथराव कर दिया, जिससे कुछ गाड़ियों को भी क्षति हुई है और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने इसमें हल्का बल प्रयोग के सबको तितर बितर कर दिया और कुछ उपद्रवियों को अरेस्ट कर लिया। बता दें कि घटना थाना तिलहर क्षेत्र की है, जहाँ पिछले कई दिनों से चीनी मिल मैदान में किसानों की तमाम मांगों को लेकर खेतिहर किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले किसान धरना दे रहे थे। तभी धरना दे रहे किसानों से प्रशासन बातचीत करने पहुंचा, तो किसान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर चौहान जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद धरना दे रहे किसान सड़क पर उतर आए और उनकी पुलिस से सीधे नोकझोंक हो गई। किसानों के नेता को पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया, जिसके बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की गई और उसे पलट दिया। फिलहाल हालात काबू में है और मौके पर भारी पुलिस बल, पीएसी बल तैनात किया गया है। लगातार प्रशासन इलाके में दौरा कर रहा है। पंजाब के सीटीवी के लिए शाहजहांपुर से नंदलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।